बच्चन फैमिली से ऐश्वर्या के सेपरेट होने की वजह क्या है? सवाल उठ रहा है क्योंकि जया बच्चन और ऐश्वर्या काफी समय से नहीं नजर आए हैं साथ। अमिताभ तो ऐश्वर्या के साथ नजर आ ही जाते हैं प्रो कबड्डी लीग के दौरान और आराध्या के स्कूल फंक्शन के दौरान, लेकिन जया नजर नहीं आती है ऐश्वर्या के साथ। सवाल ये उठा, कहीं जया बच्चन ने कोई नई पाबंदी तो नहीं लगाई बहू ऐश्वर्या पर, जिस कारण घर बिखरा, परिवार का साथ छूटा, अलग थलग हुआ परिवार। दरअसल ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक समय ऐसा था जब जया बच्चन ने जो पाबंदी लगाई उसे आज तक फॉलो कर रहे हैं बच्चन परिवार के सदस्य। वो पाबंदी ये थी कि बच्चन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन्हें कम से कम 3 टाइम में से 1 टाइम का मील तो साथ शेयर करना ही होगा। डाइनिंग हॉल में बैठकर पूरे परिवार के सदस्य को कम से कम मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच टाइम हो या फिर डिनर टाइम बैठना तो होगा ही 1 टाइम पर पूरे फैमिली को साथ। जी हाँ, रिपोर्ट कह रहे हैं कि वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन ने इस तरह का रूल बनाया पूरी फैमिली के लिए और इस रूल को अभी तक फैमिली फॉलो कर रही है। अब ऐश्वर्या बच्चन फैमिली के साथ रह रही है या नहीं ये तो क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये रूल ना सिर्फ बेटे या पति के लिए थे जया की ओर से, बल्कि घर के सारे सदस्य में बहू ऐश्वर्या भी आती है, इसलिए बहू ऐश्वर्या के लिए भी जया बच्चन का यही एक रूल है जिसे जया बच्चन को सभी फैमिली को फॉलो करवाना ही पड़ा, क्योंकि बच्चन फैमिली की बॉस है जया, अमिताभ नहीं बल्कि जया बच्चन की है चलती, इसलिए जया बच्चन के अकॉर्डिंग फैमिली को रूल तो माननी ही पड़ती है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर इस रूल के बारे में, फैमिली के घर के इस सीक्रेट के बारे में राज खुला कैसे, किसने खोला ये राज? तो आपको बता दें, बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर है करण जौहर और वो अपने चैट शो कॉफ़ी विद करण में बॉलीवुड के बड़े छोटे हर सेलिब्रिटीज़ को करते इनवाइट और उनकी फाइनल पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर करते हैं बात। उनके सवाल होते हैं बेहद ही पर्सनल और जवाब देने ही पड़ते हैं सेलिब्रिटीज़ को अगर वो गेस्ट बनकर आए। तो श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन पहुंचे थे करण जौहर के शो में और वहीं उन्होंने ये सीक्रेट से पर्दा उठाया था कि उनके घर का जो ये नियम है कि 24 आवर्स में जो 3 टाइम का मील फैमिली करती है अलग अलग टाइम पर, मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट, लंच टाइम और रात का डिनर, उसमें से कोई 1 टाइम पूरी फैमिली को साथ होना ही पड़ता है अगर फैमिली के सदस्य मुंबई में हो, टाउन में हो, आउट ऑफ टाउन हो तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता कि पूरी फैमिली एक साथ मील शेयर कर पाएगी। लेकिन मुंबई में अगर फैमिली हो, अगर शहर में फैमिली हो, फैमिली के चाहे कोई भी सदस्य हो, बहू ऐश्वर्या हो, बेटी अभिषेक हो या फिर अमिताभ या फिर बेटी श्वेता, इन सबको कितनी भी व्यस्तता क्यों ना काम में रहनी पड़ी हो, लेकिन अपने व्यस्त लाइफ को साइड रखकर प्रायोरिटीज फैमिली को देनी ही पड़ेगी और उन्हें इस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। रिपोर्ट तो ये भी कहते हैं कि इस तरह के फैसले जया ने अपने मन से लिए जिसे आज तक अमिताभ बच्चन भी निभा रहे हैं। जी हाँ, इस नियम को अमिताभ बच्चन भी कर रहे हैं फॉलो। तो भला बाकी जूनियर सदस्य के सवाल ही नहीं उठते रूल को तोड़ने का? खैर, ये बात अब की है जब पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी। अभिषेक ने इसके बाद बताया था कि वो तो रहते ही नहीं है जलसा में। फिर सवाल खड़ा होता है कि कैसे आखिर इस रूल को फॉलो करते होंगे ऐश्वर्या अभिषेक अगर वो बदसा में रहते हैं, वो बंगलो जो जलसा के बिल्कुल सटा हुआ है। खैर, अभी भी पब्लिकली ऑफिशियल ये राज नहीं खुल पाया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि फैमिली सेपरेटेड है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस तो फैमिली को फॉलो करने वालों की यही है कि
फैमिली के सारे नियम पूरे सदस्य निभाते होंगे, लेकिन जिस तरह अंबानी फैमिली के वेडिंग फंक्शन में फैमिली सेपरेटेड नजर आए, इससे ये साबित हो रहा है कि ऐश्वर्या ने वो नियम भी तोड़ दिए होंगे, क्योंकि वो घर पर भी साथ नहीं रह रही होंगी। क्योंकि ऐश्वर्या आराध्या पिछले काफी टाइम से फैमिली के साथ किसी भी गेट टुगेदर के मोमेंट को शेयर नहीं कर पाई है। इस साल अगर होली की बात करें तो होली के त्योहार पर पूरी फैमिली साथ थी, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या अभिषेक और आराध्या को नहीं देखा गया था अमिताभ जया के साथ जलसा में होली के रंग में डूबकर होली मनाते। जैसा शुरुआती दिनों में शुरुआती कुछ सालों में ऐश्वर्या अपने ससुराल में होली खेला करती थी, वैसा तो सुहाना खूबसूरत सा समा इस बार नहीं देखने को मिला। इसके बाद बात कर लेते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर एनिवर्सरी तक की। ऐश्वर्या ने एनिवर्सरी हस्बैंड के साथ जरूर सेलिब्रेट की है, बर्थडे सेलिब्रेशन जरूर इस बार बाकी है अभी ऐश्वर्या आराध्या का, इसलिए लोगों को उम्मीद है देखने का कि फैमिली साथ होती है या नहीं। लेकिन यहाँ आपको बता दें, श्वेता बच्चन के बर्थडे पर नहीं नजर आई थी पूरी फैमिली साथ, ना ऐश्वर्या ना ही आराध्या पहुंची थी अभिषेक बच्चन के साथ श्वेता के बर्थडे पर, जिसके कारण ये तो कंफर्म हुआ कि फैमिली में डिसीजन मेकिंग का काम जया बच्चन का रहता है रूल्स को लेकर, लेकिन अब जो है फैमिली सेपरेटेड है, इसलिए इस तरह के रूल को फॉलो करना शायद ऐश्वर्या को मुमकिन नहीं होता होगा। वैसे इवेंट्स फंक्शंस में खासकर ऐश्वर्या जब आराध्या के साथ या फैमिली सेपरेटेड नजर आई है पिछले कुछ दिनों में, तो वो अपने खुद के प्रोफेशनल वर्क फ्रंट की वजह से रही है सेपरेटेड, जिसमें अभिषेक भी उनके साथ नजर नहीं आए। हालांकि जब पर्सनल सेलिब्रेशन का मौका हुआ होगा तो वो था पर्सनल सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की शादी का, जहां पर भी ऐश्वर्या ना तो जया ना अमिताभ के साथ नजर आई। वैसे आपको बताना चाहेंगे, जया बच्चन ने बहू को हमेशा बहू की तरह ही ट्रीट किया है, उन्हें अपनी बेटी की जगह ना दी है और ना ही वो देने का कभी विचार कर पाएंगे। उनका साफ कहना है कि वो कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं मान सकती है, क्योंकि बेटी पर आप हक जता सकते हैं, एक माँ को हक होता है बेटी पर हाथ उठाने का, बेटी के प्रति या बेटे के प्रति स्ट्रिक्ट होने का, लेकिन बहू पर सास स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है। ये काम एक माँ का ही होता है, अपने बच्चे के प्रति स्ट्रिक्ट होने का, ये कहना है जया बच्चन का। वैसे हमारी इस रिपोर्ट में आप सबको हम ये बताना चाहेंगे, बच्चन फैमिली में अमिताभ भी हमेशा ही जया बच्चन के हर फैसलों का समर्थन करते आए हैं, इसलिए अभिषेक और ऐश्वर्या अगर सेपरेट हुए हैं तो ऐश्वर्या और अभिषेक के सेपरेट होने में सहमति अमिताभ बच्चन ने भले न जताई हो, लेकिन जया बच्चन अगर सहमत हैं ऐश्वर्या और अभिषेक के सेपरेट रहने से, तो अमिताभ भी इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। क्योंकि खुद श्वेता और अभिषेक का कहना है कि जलसा में फैमिली की जो बॉस है वो है जया, जया बच्चन का हुक्म तो अमिताभ भी मानते हैं, अमिताभ नहीं है घर के बॉस, वो बिल्कुल भी अपना हुक्म नहीं चलाते हैं। तो इस तरह से फैमिली में जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम बनते हैं, अमिताभ बच्चन नहीं जया बनाती है, और जया बच्चन एंग्री भी काफ़ी होती है, इसलिए भी रूल्स उनके फॉलो करना काफ़ी मस्ट हो जाता है। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट।